बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि उन्हें कैंसर है। बीते कई हफ्तों से भारतीय मीडिया में उनके कैंसर पीड़ित होने की अटकलें लगाई जा रही थीं। संजय दत्त का एक वीडियो हाल ही में इंस्टाग्राम पर पोस्ट हुआ है। यह वीडियो उनके हेयर स्टाइलिस्ट आलिम हकीम ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर पोस्ट किया है। इस वीडियो में संजय दत्त को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि वो जल्दी ही कैंसर को हरा देंगे। वीडियो में वो अपना नया हेयर स्टाइल भी दिखा रहे हैं। 61 साल के संजय दत्त ने 150 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है। उन्होंने कहा कि वो नवंबर से अपनी अगली फिल्म की शूटिंग शुरू कर देंगे। अगस्त में संजय दत्त को सांस लेने में तकलीफ हुई थी और वो अपना कोरोना टेस्ट करवाने गए थे। उनका कोरोना का टेस्ट तो नेगेटिव आया था, लेकिन फिर भी वो मुंबई के लीलावती अस्पताल जाते रहे। उस समय मीडिया में इस तरह की खबरें आने लगीं कि संजय दत्त को कैंसर हो सकता है। संजय दत्त ने अपने मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए ब्रेक लेने की बात भी कही। संजय दत्त की पत्नी मान्यता ने उस समय कहा था कि उनकी सेहत के बारे में बेबुनियादी कयास ना लगाए जाएं। अब अपने ताजा वीडियो में संजय दत्त अपनी आईब्रो के पास बनाए गए निशान दिखाते हुए बोल रहे हैं कि ऐसा ही निशान मेरी जिंदगी पर बन गया है और वो कैंसर है, लेकिन मैं जल्दी ही इससे बाहर निकल जाऊंगा। संजय दत्त की जिंदगी कई तरह के उतार चढ़ाव वाली रही है। उनका फिल्मी करियर जब अच्छी रफ्तार पकड़ रहा था, तभी उन पर साल 1993 में मुंबई में हुए धमाके के दौरान गैर कानूनी तरीके से हथियार रखने के आरोप लगे। उन्हें साल 2013 में इस मामले में 5 साल जेल की सजा सुनाई गई। जेल से निकलने के बाद उन्होंने कुछ फिल्मों में काम कर वापसी की कोशिश की। उनकी जिंदगी पर संजू नाम की एक हिट फिल्म बन चुकी है, जिसमें रणबीर कपूर ने संजय दत्त का किरदार निभाया है। संजय दत्त ने अपनी ड्रग्स लेने की लत के बारे में भी खुलकर बताया था। उनके परिवार में 2 मौतें कैंसर से पहले ही हो चुकी हैं। संजय दत्त की माँ नरगिस की मौत साल 1981 में कैंसर से हुई थी और संजय दत्त की पहली पत्नी ऋचा शर्मा की मौत भी कैंसर से ही हुई थी।